भास्कर भी पकड़ाया है मोबाइल के ऊपर से हटा लीजिए इसको हो गया पर कमी बनाइए ना सब बनाए मैंने एक्चुअली कल शाम में डोकुला चेक पोस्ट पर जब जांच रूटीन जांच किया जा रहा था तो उसी जांच के क्रम में सिलीगुड़ी से एक आ रही थी बस उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध पाए गए उनको जब चेक किया गया तो वो पेट में बांधे हुए थे उसमें जब उनको चेक करने पर सोने का बिस्कुट बरामद किया गया जिसका कुल वजन 5 किलो 800 ग्राम के करीब है जिसका मार्केट वैल्यू आज के डेट में 3 करोड़ 55 लाख रुपये है इसके संबंध में उन्होंने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया वो उसको संदिग्ध रूप से पेट पर बांध के ले जाया जिसमें उन्होंने बताया कि हम एक कुरियर का काम करते हैं जो सिलीगुड़ी से हमको माल सप्लाई उठाना था और ले जा करके हमको सप्लाई करना था पटना से फिर आगे दूसरी टीम उसको ले जाने वाली ये मामला संदिग्ध था हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया सामान प्रोड्यूस करके हम लोग पोस्टमार्टम को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और मामला अनुसंधान में गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ का है सर गिरफ्तार व्यक्ति महाराष्ट्र शोलापुर से कितने की संख्या ये बरामद की कितनी हुई सोमनाथ का नाम सोमनाथ सर बरामद लेकर आ रहा था सर ये सिलीगुड़ी ये उन्होंने कहा हम जाते हैं उन्होंने में डिलीवरी क्या करना था सर नहीं अभी सब अनुसंधान में है अभी तक जो सर बरामद की कितनी हुई है बरामद की आपको बता ही दिए हम 5 किलो 800 ग्राम है 24 कैरेट बाजार की कीमत क्या होगी सर बाजार कीमत इसकी 3 करोड़ 53 लाख 8 टिकट सर क्या ये 24 कैरेट लोग सर पुणे को कनेक्ट कर गया ये सब अभी अनुसंधान अभी ये अनुसंधान का विषय है अभी इस पर हम नहीं कुछ बोल सकते ये अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्कर है क्या ये जो ब्रांड इस पर लगा हुआ है ये यूएई का ब्रांड है यूएई का ब्रांड है जो गोल्ड का ब्रांड है दलकुआ चेक पोस्ट पर है सर ये दलकुआ चेक पोस्ट सिलीगुड़ी से लेकर सिलीगुड़ी से कहाँ लेके जाना तो इनका जो कहना है जिस पर अभी तक जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है जो कुरियर है ये इनको पटना में कहीं आके देना था लेकिन ये सब चीज अभी इन्वेस्टिगेशन में खुली है क्या होने वाला बता सर ये पहले भी इस तरह का काम क्या किया था स्वीकार किया नहीं ये सब चीज अभी चूंकि शुरुआत ही अनुसंधान है अभी हम लोग आगे तक जाएंगे तो फिर आगे आप लोगों को डिटेल दे पाएंगे कुरियर कंपनी नहीं है कुरियर जो सप्लाई करने वाला होता है सब कुरियर बिल्कुल बगैर गिरोह के 3 करोड़ 3.5 करोड़ का सामान इधर उधर ले जाना तो सिलीगुड़ी पटना बस ये पहली बार कुरियर का काम करता था इनके अनुसार ये जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं वो कह रहे हैं कि मैं पहली बार कर रहा था लेकिन हम उनकी बात पर नहीं जा रहे हैं हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन पुलिस कितनी बड़ी सफलता मान रही है सफलता तब होगी जब इसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो ये पता चल जाए कि इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या था कहाँ से ये सोना आ रहा था और कहाँ जाना था कोई और एंगल भी तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ है ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएगा किस गाड़ी से जा रहा था बस सर पुलिस को इसके बारे में पहले से कुछ जानकारी थी या फिर अचानक जांच में रूटीन जांच हम लोग करते ही रहते हैं वहाँ चौथा चेक पोस्ट हमारा वैसे भी जांच वहाँ अच्छा रूटीन जांच पकड़ाया है जांच होती ही रहती है में था सर बड़ी बात है तो सर पहली बार दूसरा एक चीज और आप लोग को बताना चाहेंगे ये तो ये मामला हो गया आपका इस दूसरा ये है कि आजकल बिहार पुलिस का नया इनिशिएटिव चल रहा है तो उसमें आज भी मीटिंग हुई है डीजी सर का आदेश हुआ है कि पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग करनी है तो सबसे पहले तो उसमें संबंध में ये करना चाहेंगे हम कि जितना भी टीओपी जो हमारा डिफंक्ट था उस सब को हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की है जिसमें सिटी नाका नंबर 1 आपका जो डिफंक्ट था क्लास मैंने भी इसमें जाकर देखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक हो सकता है भट्टा भी टीओपी हाँ और उसके अलावा भी जो टीओपी हमारा डिफंक्ट था भट्टा बाजार वाला टीओपी उसको भी मैंने चालू किया है तो हमारे ओआर के सिपाही जो पहले हुआ करते थे लाल टोपी पहना करते थे जिनका काम था कि शहर में अर्बन पुलिसिंग का चेहरा हुआ करते थे वो जा करके अर्बन पुलिसिंग में जाके जो लोग रहते थे शहरों में उनसे मिलते थे उनसे बातें करते थे उनके दर्द को देखते थे वो चीज़ फिर से चालू होने जा रही है हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं
होपफुली सितंबर तक हमारे पास फोर्स आ जाएगा, हम इसको 100% जितना भी टीओपी है उसको ऑपरेट करेंगे और उसमें हम पदाधिकारी देंगे जो अर्बन पुलिसिंग का नया चेहरा होगा। जो आजकल जैसे आप देखते हैं कि शहरों में लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, तो उसको दूर करने के लिए ये नया चीज लाया जा रहा है। बीट पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट था पहले खत्म होने का कगार पर था, उसको भी लाया जा रहा है, ये सब अर्बन पुलिसिंग में हो रहा है। दूसरा टोटल कितने टीओपी को चालू किया जा रहा है? एक तो भट्टा बाजार वाला टीओपी हमने चालू करवा दिया, आपको 15 दिन के अंदर हमारी नाका जो पुराना था हमारा जो बिल्डिंग वहाँ पर भी हम चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सब चीज़ ठीक रहा तो सितंबर महीने में वो भी हो जाएगा। हमने कस्बा में मदार खान था वहाँ भी ऑफिसर प्रतिनियुक्त कराकर उसको करा दिया। इसके अलावा हमारा एक गुलाबबाग नाका तो है ही है, वो चालू है, उसमें भी अफसर का अच्छा परफॉर्मेंस कर दी है हमने। और सबों को मैंने काम दे दिया है, टास्क दे दिया है कि अर्बन पुलिसिंग का अपना चेहरा यही होगा कि 1-to-1 कॉन्टैक्ट करेगी पुलिस, 1-to-1 कॉन्टैक्ट होगी उस इलाके में रहने वाले लोगों से। दूसरा एक माध्यम और फेसबुक लाइव और उसके माध्यम से भी पुलिस जुड़ेगी, हर थाना प्रभारी SDPO और SP सप्ताह में एक दिन फेसबुक लाइव आएंगे, या अगर सप्ताह में एक दिन ना आ सके तो कोई बड़ा ऑकेजन अगर जैसे मान लिया कि आने वाला दुर्गा पूजा है तो उसमें वो फेसबुक लाइव आकर के जनता के सवालों के जवाब देंगे 1 घंटा तक। इसके अलावा एक और चीज़ पहल की जा रही है कि जो पब्लिक यहाँ आती है बहुत दूर दूर से आती है, जैसे मल्या पड़ा कोठी से आ रही है, वैसी से आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए अनुमंडल स्तर से BC के माध्यम से पब्लिक अपनी शिकायत SP तक पहुंचाए, वो सुविधा भी करने पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बिहार में हो रहा है, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, बिहार पुलिस परसेप्शन बदलने की कोशिश कर रही है, उसी क्रम में पूर्णिया पुलिस के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव लिए जाएंगे। इसकी जानकारी देना मेरा मेन मकसद था, आपके लोग देना चाह रहे हैं कि पब्लिक पुलिस ओरिएंटेशन से ये काम आसानी से हो सके। वो हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर शुरुआत हो जाए उसके बाद हम और देखेंगे कि उसको अब किस तरह से ठीक कर सकते हैं। बाजार वाला हम लोग उसकी भी कोशिश करें, उसको चालू कर दिया, बगल में जो ठाकुर बाड़ी है उसमें चालू हमने कर दिया है और उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी होगा।